जी फ्रेंड, गुड इवनिंग, आदाब, नमस्ते, कैसे हो? सब ठीक ठाक हो? तो भाई, पहली तो गुड न्यूज़ है और उसके बाद बैड न्यूज़ है। मैं आपको गुड न्यूज़ पहले दे दूँ। गुड न्यूज़ उनके लिए है जो मलेशिया गए थे लेकिन वापस नहीं आ सके, वो बैन हो गया इंडिया ट्रेवल। तो इंडिया से जो मलेशिया अभी आना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि अपना फ्लाइट जो है, स्पेशल कनेक्टर फ्लाइट जो है 10 मई को जा रही है इंडिया को। तो जो भी मेरे भाई इंडिया से मलेशिया आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। मैं नीचे आपको ये नंबर दे दूंगा, आप नंबर पे कांटेक्ट करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासपोर्ट कॉपी जो है वो नंबर पे व्हाट्सअप करें और आपको टिकट जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा। और दूसरी बैड न्यूज़ ये है कि मलेशिया में अभी भाई, अगर किसी को नहीं पता तो ये न्यूज़ उसको शेयर करें, मलेशिया में लॉकडाउन लगने जा रहा है। MCO पहले जैसे 0.2 था, अभी 0.3 लगने जा रहा है। तो मेरे भाई जितने भी मलेशिया में रह रहे हैं सभी अपना ख्याल रखें। कलांग में ये कल से चालू हो गया था और कोलालंपुर में अभी ये आज से चालू हो जाएगा, ठीक है। मलेशिया में जितने भी बहन भाई मेरे रह रहे हैं सभी अपना ख्याल रखें। पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होने वाली है क्योंकि एक तो रमजान का महीना चल रहा है, बहुत ज़्यादा चेकिंग पहले ही है और अभी MCO हो गया तो उसकी वजह से तो और जो रोड ब्लॉक्स हैं वो होंगे, है ना। तो सभी मेरे बहन भाई जहाँ पे भी रह रहे हैं सभी अपना ख्याल रखें। लेकिन ग्रॉसरी की दुकानें, पेट्रोल स्टेशन, इनका टाइम बाय टाइम ये खुलेंगे। जैसे पहले टाइमिंग होती थी सुबह 7 बजे से 12 बजे, 2 बजे तक, ऐसे इनकी टाइमिंग होगी। अपनी ग्रॉसरी का सामान वगैरह लेने जाना है, घर से निकलना है तो अपना सॉलिड रीजन जो है अपना पुलिस को बताएं। अगर आपको पुलिस कैच करती है या रास्ते में पकड़ते हैं तो आप अपना सॉलिड रीजन जो है बताएं, ऐसे नहीं कि ऐसे ही मुंह उठा के चले जाएं तो आपको फिर परेशानी होगी। तो ठीक है, खाना जो है पहले जैसे हम पैकिंग करके घर में लाते थे रेस्टोरेंट से, वैसे ही पैकिंग करके ही घर में लाना है। रेस्टोरेंट्स पे भी हम नहीं खा सकते। तो जब भी आपने ग्रॉसरी का सामान वगैरह बाहर लेने जाना है तो रोड ब्लॉक्स काफ़ी ज़्यादा रास्ते में होंगे, तो आपने पुलिस को अपना सॉलिड रीजन जो है वो आपने बताना है कि हम किस वजह से बाहर निकले हैं, ग्रॉसरी का सामान लेने जा रहे हैं या कैसे भी, उनको आपने सॉलिड रीजन जो है अपना देना है, ठीक है। तो इन बातों का मेरे भाई ज़रूर ख्याल रखें और सतर्क रहें। जिनके पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह रीन्यू होने वगैरह गए हुए हैं वो ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखें क्योंकि पुलिस ने ऑलरेडी बोल दिया है कि जो भी फॉरेनर है मस्ट अपना पासपोर्ट जो है हैंड कैरी करें, ठीक है। तो इन बातों का ज़रूर मेरा वीर ख्याल रखें और ये जानकारी जो है सभी दोस्तों, बहनों, भाइयों के साथ ज़रूर आप शेयर करें और सतर्क रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।